अंदर पढ़ेंगे फैन में पढ़ेंगे उठा जी उठा उठा अरे उठा जी वैसा कारा पकड़ के नहीं वैसा नको उठा भाई वैसा नको खान में ले लेंगे खाने पे कारा पकड़ के ले जाओ जी उठाओ अरे तो आ जाओ भाई 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 मैं भी उठा जी चलो चलो पकड़ लो जी फोन करे भाई बेइज्जती आपकी मेरे को गंदे गंदे गालियां दी है जी मेरे को चोर रिपोर्टर बोल रहे हैं मेरे को पकड़ लो मेरे को चोर रिपोर्टर बोल के मारे बेगम बाजार मेरे को चोर रिपोर्टर बोल के मारे मैं गरीब की मदद करता घुरा है तो बोलो भाई पानी पे गरज मंद कर रहे बोल के मेरे को फोन आया तो गया भाई पानी पे वो बेइज्जती करके फेसबुक पे चोर रिपोर्टर बोल रहा पानी पे पानी गालियां देके निकाला दुकान से मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है जी क्या प्रॉब्लम हुआ बोलिए साहब फाइनेंस सुने ना फाइनेंस में मैं फाइनेंस कराया साहब किस पे फाइनेंस कराया ऑटो पे फाइनेंस कराया मैं जी तकरीबन एक साल डेढ़ साल से ऑटो वहाँ बंद है गैरेज में पड़े हुए है अब टॉर्चर कर रहे हैं कि भाई कौन टॉर्चर कर रहे हैं आपको फाइनेंस अच्छा सुने ना फाइनेंस क्या नाम है उनका विनोद है साहब अच्छा पैसे बनो बोल रहे साहब मैं गाड़ियाँ नहीं चल रहे तो मैं कहाँ से लाके बनूंगा अब तो कुछ भी करो मेरे को नहीं मालूम मेरे को पैसे होना बन के टॉर्चर कर रहे साहब मैं एक साल पहले आके बोला साहब वो आरसी बुक ओरिजिनल दियो आरटीओ में गाड़ी है मैं छुड़ा के चलाता हूँ भी मैं आपको भी पैसे बनते हो तो नहीं नहीं एक ड्यू है तुम वो ड्यू बनो उसके बाद में आरसी बुक देंगे या नहीं दे देंगे सोचेंगे बोल के बोल रहे हैं फिर वो चले गया मैं दो जनों फिर मेरे भाई को लेके आया बात करने के लिए जब ऐसे ही हिसाब कर रहे हैं 4 लाख 4.5 लाख रुपए देना है ना तो गाड़ियाँ छोड़ दो 10-10 हज़ार रुपए देते हो रहे भाई क्या रोड पे आ जाओ क्या साहब फांसी लेके पैसे दिए अब तक आप कितने पैसे दिए ऑटो को कम से कम तो 5-6 लाख रुपए के ऑटो पे फाइनेंस था साहब बन लेते अब यहाँ तक आया मैं अब 2,40,000 रुपए असल देना है उनको अब उन्होंने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं अब एक साल से तुम फाइनेंस ड्यू है बोल रहे एक साल से मैं गाड़ी नहीं चला आरटीओ में फंसे भी थी साहब मैं चलाया तो दूंगा ना नहीं चलाया तो कहाँ से दूंगा बोलिए आप इसका क्या है मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई चला नको चला मेरे को इंटरेस्ट जो बताओ मैं क्या फांसी लेके दूँ यहाँ कैसा है आप यहाँ पीएस को कैसा है साहब मैं हिसाब कर रहा था फिर 2 दिन के बाद में बुलाया उन्होंने 2 दिन के बाद में आओ बोल के बोले फिर आगे मैं फिर हिसाब कराया तो फिर 4.5 लाख का हिसाब बता रहे हैं दीदी कितने आप बाकी कितना है आप फसल को बाकी कितना है 2,40,000 रुपए या 2,30,000 रुपए बाकी देना कितना है बोल रहे हैं अब 4.5 लाख रुपए बाकी है बोल रहे हैं ठीक है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं मैं कैसे दूं साहब आप क्या करना चाह रहे हैं अब कोई सुसाइड कर लेंगे बोल के मैं तेल डाल लिया साहब अब इससे ज्यादा अभी 1 घंटा पहले क्या करूँ साहब उन्हों पुलिस करने गए तो बोल रहे हैं पुलिस मेरे जिम में है मैं कमिश्नर करने जा तू कहाँ जाता जा ऐसा बोल के बोल रहे हैं मैं करूँ तो क्या करूँ साहब बोलो ठीक है चलिए ओके